We come to the next phylum, which is very important phylum, phylum arthropods. Arthropods means the organisms or animals with jointed legs. And this is the phylum which contains maximum number of animals, or largest phylum containing largest number of animals in this phylum. ठीक है, इस phylum में सबसे ज़्यादा largest animals हैं, और I mean to say near about 2/3 of animals on this earth are from the arthropoda. तो आर्थ्रोपोडा के बहुत सारी स्पीशीज हैं, तो इन लैक्स वी कैन से स्पीशीज आर देयर. और इसमें अगेन व्हाट वी कैन से कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैविंग एक्सटर्नल अपेंडेजेस. तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, एक्सटर्नल सेगमेंट्स आर ऑल्सो देयर एंड अपेंडेजेस आर ऑल्सो देयर. ऑर्गेनिज्म विद ज्वाइंटेड फीट और द ऑर्गेनिज्म हैविंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सेगमेंट्स, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इज प्रेजेंट इन दिस फाइलम. तो इसमें हम देखते हैं व्हाट आर वेरियस इंपॉर्टेंट अदर करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं. इफ यू टॉक अबाउट दी हैबिटेट, तो डाइवर्स हैबिटेट आर ऑल्सो प्रेजेंट. अब इस डाइवर्स हैबिटेट में वी कैन से दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड, दे मे बी प्रेजेंट ऑन सॉइल, लैंड, वाटर, soil, or they may be present in the bodies of another organisms. Body may in the form of ectoparasites. Parasites की form में mainly ये दूसरे organisms की body में भी रहते हैं, और endoparasites की form में भी they are responsible for causing large number of diseases. या बाहर या अंदर भी life cycle चलती है. तो जितने भी ये insect related groups हैं, या जितने भी mosquitoes हम example ले सकते हैं, causing diseases, malaria and dengue, all they belong to the arthropoda. तो वो कौन से mosquitoes हैं वो तो हम बाद में देखेंगे. तो habitat wise they are showing the diverse means of habitat. They are also having the fresh water. Fresh water species are also there. और इसमें हम cockroach detail में पढ़ेंगे जो भी characteristics होंगे, तो cockroach की help से we will be clearing that also. But that will come later on in structural organization in animals में. वो cockroach को जो भी external important organism है तो उसमें we will be clearing all the characteristics that these phylum arthropoda possesses. ठीक है, तो body form देखें, तो body is variable in form, it considerably. मैं जैसे आपको बताया कि these are having jointed legs are there. इनकी जो legs होती है ना, they are having six main parts. सिक्स मेन पार्ट्स कौन से होते हैं वो हम बाद में देखेंगे. एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, मेनली इनकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स मिडल वाला पार्ट, एंड देन लोअर पार्ट, द थर्ड पार्ट इज एब्डोमन. और वो भी क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं मोस्टली. ठीक है, तो हेड इज देयर, मिडल थोरैक्स एंड लोअर पार्ट एब्डोमन इज देयर. तो इस तरह से देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स. एंड इफ यू वॉन्ट टॉक अबाउट द बॉडी वॉल, बॉडी वॉल में they are mating, they are having, they are covered with the help of thick, hard, tough, chitinous cuticle, chitinous substances, chitin ka bana hua exoskeleton is there. Inki body ki jo extension hai hard, जैसे कॉकरोच का एग्जांपल है, तो ब्राउनिश जो एक्सटर्नल कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जस्ट लाइक दैट ऑफ फंगस. काइटिन क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, तो आल्सो द काइटिन इज प्रोटेक्टिंग द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड. एक्सटर्नल जो बॉडी है दैट इज कवरिंग, पूरी कवरिंग होती है काइटिन की, हेड वाले पार्ट में, थोरक्स में और एब्डोमन में. एंड दिस काइटिन इज ऑल्सो सेगमेंटेड, वो भी सेगमेंटेशन होती है, एंड सच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, दिस इज ए ट्रू सेगमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो एनी लीडा में भी देखने को मिली थी, जिसमें स्टिलोमिक कैविटी वॉज रिड्यूस, ऑल्सो सेगमेंटेड, बट इन दिस केस ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज देयर. ठीक है, अब बॉडी कैविटी की बात करें, तो बॉडी कैविटी सिलोमिक कैविटी, जिसको हम हीमोसील बोलते हैं, बिकॉज ऑफ रिड्यूस सिलोमिक कैविटी, प्रेजेंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के वजह से, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब की कैविटी, दे आर ऑल हीमोसिलिक, उनके अंदर भी स्पेस होता है, इनकी
ऑर्गन्स के अंदर, जिसके कारण जो स्पेशल कैविटी होती है सिलोमिक कैविटी, दैट इज वेरी मच लेस, बहुत कम हो जाती है. एंड दैट बॉडी कैविटी इज कॉल्ड दी हीमोसील. तो हीमोसील बोलते हैं इनकी बॉडी कैविटी को. तो उसके बाद नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो हीमोसील इज फिल्ड विद ब्लड, ब्लड से फिल होती है, ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट हैविंग थ्री मेन पार्ट्स. तीन मेन पार्ट्स होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. फोरगट प्रोक्टोडियम बोलते हैं जिसको, और मिडगट को मेसेंट्रॉन बोलते हैं, हाइंडगट को स्टोमेडोडियम भी बोलते हैं. तो दैट वी विल बी राइटिंग लेटर ऑन व्हेन वी विल बी स्टडिंग द कॉकरोच. तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट के कारण द एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज देयर विद माउथ एंड एनस, ठीक है. माउथ भी होता है सेपरेट और एनस इज ऑल्सो सेपरेट फॉर द रिलीज ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटीरियल. दैट इज वाई कैविटी बॉडी डाइजेस्टिव कैविटी इज कंप्लीट. तो डाइजेस्टिव कैविटी क्या होती है, कंप्लीट होती है. नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम. ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसमें ओपन टाइप. ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम तो हमने पहले देखा था जनरल करेक्टरिस्टिक्स में कि ब्लड इज नॉट फ्लोइंग इन दी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो करता, ठीक है. ओपन डायरेक्ट टिश्यू साइनेंसिस और स्पेसिस होते हैं, दे आर ऑल फिल्ड विद ब्लड. उनमें सब में ब्लड भरा होता है कि डायरेक्ट ब्लड किसमें होता है, बॉडी कैविटी के अंदर या टिश्यू स्पेसिस, जहाँ पे भी टिश्यू के अंदर खाली जगह होती है वहाँ उन सब जगह पे क्या होता है, ब्लड होता है. दैट इज वाई ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, ठीक है. एंड दिस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज इन डायरेक्टली इन टिश्यू स्पेसिस और साइनेसिस. ब्लड फ्लोज directly in tissue spaces or sinuses. Spaces को sinuses भी बोलते हैं, ठीक है. तो blood vessels नहीं होती, जैसे कि highly organized organisms में blood vessels are present. Even we had studied blood vessels in arthropods also. Oh sorry, annelids also. लेकिन इसमें नहीं है. और इसी तरह से इसके बाद जो second largest phylum that we will be studying mollusca, उसमें भी हम देखेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो ये ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज देयर, ब्लड डायरेक्टली टिश्यू स्पेसिस में मूव करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑकर्स विद द पोस्ट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जैसे गिल्स एंड बुक गिल्स तो होती हैं एक्वेटिक फॉर्म के लिए, जैसे स्पेशल गिल्स और बुक गिल्स आर प्रेजेंट. इसी तरह से lungs and books lungs are present for terrestrial form, lungs or book lungs. Or main respiratory system ज़्यादातर क्या होता है इन insects के अंदर, tracheal system of respiration is there. Tracheal system क्या होता है, कुछ tracheal tubes होती हैं, white shining tubules, they are present in the form of network like structure throughout their body. उनकी body में पूरा network like structure tubules का होता है, that forms tracheal system. जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स के अंदर ब्रोंकाई ब्रोंकियोल सिस्टम होता है ना, इसी तरह से इनके अंदर भी जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया मेन ब्लड वेसल्स सॉरी मेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर देयर फॉर रेस्पिरेशन एंड ट्रैकियोल सिस्टम इज प्रेजेंट इन टू द टिश्यू. टिश्यू के अंदर होता है, आई मीन टू से कि ऑक्सीजन जो होती है दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम स्पीरेकल्स, जो एक ओपनिंग्स होती हैं दैट लीड्स टू द ट्रेकियल सिस्टम. तो ओपनिंग्स आर प्रेजेंट स्पीरेकल्स ऑन द बॉडी सरफेस ऑन द साइड्स, इनकी साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रेकियल सिस्टम में लीड करती हैं. डिटेल ऑर्बिट डायग्राम तो हम कॉकरोच में देखेंगे, तो दिस थिंग विल बी मोर क्लियर टू अस. तो मेन सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन आई मीन टू से इज ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन. ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर that is present in these insects. और इसके अलावा lungs and book lungs are present for the terrestrial forms. ये tracheal system भी किस में होता है, terrestrial और land forms के अंदर होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि habitat wise तो diverse habitat है, they are present in water, fresh water में भी हैं, they are present in marine water और they are present on land and they are also present as an ectoparasite की form में भी ये reside करते हैं. excretory system में हम देख लें तो there are मेन ग्रीन ग्लैंड्स आर देयर, जैसे कि प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं. एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल इज अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो किस में प्रेजेंट होती है, मिडगट और हाइंडगट के
जंक्शन पे कुछ ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये भी हम क्लियर करेंगे, मालपीजियन बॉडी या मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट आर मेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, पूरी बॉडी कैविटी में मूव करती है, लेकिन इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, तो वो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन विल ऑल्सो बी क्लियर व्हेन वी विल बी स्टडिंग द कॉकरोच, कॉकरोच की हेल्प से हम इसको क्लियर करेंगे, बट वी हैव टू लर्न दिस टाइम की फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी सिस्टम किसकी हेल्प से होता है, ग्रीन ग्लैंड्स, मालपीजियन बॉडी, और कई बार क्या होता है कोक्सल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन सम इंसेक्ट्स, तो आर्थ्रोपोडा के ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं विच इज अ नेक्स्ट करेक्टर, नेक्स्ट करेक्टर वी सी द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज जस्ट सिमिलर टू द एनीलिडा, एनीलिडा से ही जैसे एनीलिडा में था ना वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज देयर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, डबल नर्व कॉर्ड होती है और बीच बीच में गैंग्लियंस आर देयर और नर्व रिंग होती है हेड वाले रीजन में, इन द सेम मैनर सच काइंड ऑफ ए नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड आगे की तरफ, ठीक है, वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड इज देयर हैविंग गैंग्लियंस, गैंग्लियंस बताया था ना जहाँ पे नर्व फाइबर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो स्वेल कर जाता है एरिया, होता क्या है नर्व फाइबर्स का ही बना हुआ, तो इसको हम कहते हैं वेंट्रल डबल कॉर्ड अलोंग विद गैंग्लियंस दे फॉर्म द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट वी सी सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स में वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि कंपाउंड आइज जो होती हैं दे आर इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स एंड दे रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल मोजोइक विजन, कंपाउंड आइज क्या होती हैं जैसे कि एक सिंगल आई छोटे छोटे आईलेट से मिलकर बनती है, नियर अबाउट 2000 आईलेट्स आर प्रेजेंट इन ईच कंपाउंड आई, एक जैसे दो होती है ना तो हर कंपाउंड आई में 2000 छोटी छोटी आईलेट्स होती हैं जिसको हम ओमेटीडिया बोलते हैं, और वो सब अपनी अपनी पिक्चर अलग से बनाती हैं और इन वो सारी पिक्चर्स और इमेजेस रिजॉल्व होके एक थ्री डायमेंशनल मोजोइक विजन देती हैं कॉकरोच को, एक डिस्टिंक्ट विजन देती हैं, देख मतलब एक क्लियर सी पिक्चर बना देती हैं छोटी छोटी आईलेट्स मिलकर, ठीक है, दैट इज व्हाई सेंस ऑर्गन्स में जो आईज होती हैं दे आर कॉल्ड दी कंपाउंड आईज, कंपाउंड आईज क्या होती हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल आईलेट्स कॉल्ड दी ओमेटीडिया, ठीक है, नियर अबाउट 1-2000 ओमेटीडिया आर प्रेजेंट इन ईच आई, हर आई में प्रेजेंट होते हैं और दे रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल मोजोइक विजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसके कारण कॉकरोच होते हैं ये ज़्यादा दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग से ज़्यादा अवेयर रहते हैं, ठीक है। स्टेटोसिस्ट भी होते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन के लिए, तो ये भी हमने लर्न करना है, स्टेटोसिस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर द बैलेंसिंग, ठीक है। और अब सीलिया, नो सीलिया आर प्रेजेंट ऑन दी, कोई सीलिया और एक्सटर्नल एक्सटेंशन थ्रेडवर्क लाइक नहीं प्रेजेंट होती, दे आर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव स्ट्राइप मसल्स, स्ट्राइप मसल्स इन्हीं ऑर्गेनिजम्स पे प्रेजेंट थे, यानी कि स्ट्रिएशंस द मसल्स दैट वर हैविंग दी स्ट्रिएशंस ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, तो वो सबसे पहले इनके इसी ऑर्गेनिजम्स में ही डेवलप हुए थे, मोर ओवर स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बट स्ट्राइप मसल्स, बॉडी इनकी क्या होती है एक्सटर्नली मेड अप ऑफ स्ट्राइप मसल्स, ठीक है, और ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड वाले मसल्स, और जिसको बोलते हैं हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में वो हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो हार्मोनल सिस्टम इज देयर, तो सो मैनी हार्मोन्स आर देयर फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसी तरह से कुछ फर्मोन्स होते हैं ऐसे केमिकल्स, दीज फर्मोन्स आर कॉम्युनिकेटिंग सिग्नल्स फॉर दीज इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के लिए ना कॉम्युनिकेटिंग सिग्नल्स होते हैं, और वी कैन से दे आर ऑल्सो सेक्स अट्रैक्टिंग सिग्नल्स भी होते हैं जिनको हम फर्मोन्स बोलते हैं, उन फर्मोन्स को भी हम बहुत सारे कमर्शियली यूजेस करते हैं, दैट वी विल बी आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन, तो फर्मोन्स आर ऑल्सो देयर, और बहुत सारे एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, सेक्सेस आर सेपरेट, और डायोशियस कंडीशन इज देयर, डायोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज देयर, जैसे कॉकरोच की बात करते हैं तो उसमें मेल एंड फीमेल दूर से ही पहचाने जाते हैं कि वो क्या रिकॉग्नाइजिंग सिग्नल्स होते हैं, तो हम कॉकरोच में देख ही लेंगे, तो सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल
and development is direct or indirect. Fertilization is internal, mostly direct development. Metamorphosis होती है, mostly direct. Metamorphosis means one form is changing into another adult form. इसी तरह से बहुत सारी stages आती हैं, जैसे cockroach में हम कहते हैं 13 molting stages आती हैं जिसमें adult cockroach बनता है, ठीक है? तो mostly direct development is there और metamorphosis process is there. कि change of one form into the metamorphosis. That is indicating change of one form into the another form. Indirect development भी होती है, but mostly direct development is there. Fertilization is internal. कुछ forms जो ऐसी होती हैं, parthenogenesis show करती हैं. जैसे parthenogenesis क्या होता है, जिसमें unfertilized egg directly adults में convert हो जाते हैं. जैसे कि honeybee के अंदर drones और workers होते हैं. Drones जो होते हैं, male जो होते हैं, they are form from the unfertilized egg. Unfertilized egg से वो develop होते हैं. तो इसको हम parthenogenesis बोलते हैं. ठीक है? तो this is regarding their various characteristics belonging to phylum Arthropoda. अब हम देखते हैं इसकी classification और what are various important groups of insects. Prominent insects कौन से हैं जो हमारे NCERT में mention किए हुए हैं along with their classification. Classification kya hai and what are various other important characteristics that we see now. On the basis of body divisions and number of appendages that may be present or that may be absent, phylum Arthropoda is divided into 7 main classes. Jaise ki jisse bhi body ke divisions hai, uske basis par ya kuch aisi external appendages hai, chahe wo present hai ya absent hai, उसके बेसिस पर फाइलम आर्थ्रोपोडा को 7 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है. बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डिस्कस ओनली दोज जो कि हमारी स्पीशीज एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, क्योंकि एज वी नो कि आर्थ्रोपोडा इज ए लार्जेस्ट फाइलम और इसकी कुछ इतनी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं और कुछ हम मैक्सिमम जिसकी हमें नॉलेज भी है और हम जानते भी हैं उन इंसेक्ट्स को, हमें मालूम भी है जो डेली रूटीन में हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन उन सबको डिस्क्राइब करना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. तो इसीलिए आई हैव ट्राइड ओनली दोज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट और आगे लेसन्स में कुछ स्पीशीज के बारे में फिर से डिस्कस किया गया है और कुछ इस फाइलम आर्थ्रोपोडा में एनसीईआरटी में जो मेंशन है स्पीशीज वही मैंने डिस्कस की हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद क्रस्टेशिया, बहुत फेमस क्लास है सी एनिमल्स, सी इंसेक्ट्स से रिलेटेड. और इसमें बॉडी के करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, सी इंसेक्ट्स है मेनली, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलो थॉरेक्स एंड एब्डोमन, आई मीन टू से हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमन में डिवाइडेड अ बॉडी एंड टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, टू पेयर्स ऑफ एंटीनाज आर प्रेजेंट अलोंग विद द कंपाउंड आइज, स्टॉक्ड कंपाउंड आइज मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है एंड टू पेयर्स ऑफ एंटीना इस फाइलम क्रस्टेशियन के एनिमल्स में मिलते हैं. और जो दो इम्पॉर्टेंट है, पेलियोमोन और प्रॉन, विच इज ए एडिबल इंसेक्ट जिसको लोग खाते भी हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट दैट हैज बीन मेंशन, एंड कैंसर और क्रैब. और इसके अलावा लॉबस्टर्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन क्रस्टेशियंस. तो मैंने आपको बताया मेन करेक्टरिस्टिक्स तो क्या है इनके, कि दे आर डिवाइडिंग इन टू हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमन and two pairs of antenna are present. जैसे कि mostly one pair होते हैं ना, इस केस में two pairs of antenna are present and इसमें respiration is with the help of gills. Gills की help से होता है respiration. और इसके अलावा इनकी जो blood जो cavity होती है, that is called the hemocoelomic cavity, जिसमें hemocyanin pigment present होता है. Then that means, I mean to say कि उसमें whatever is present, hemoglobin is not there, hemocyanin pigment is present, having the copper as a prosthetic group, copper ion B present hota hai us hemocyanin pigment mein, jiske karan blood is a little bit bluish in color. Jab bhi oxygen ke saath milta hai to blood blue color ka nazar aata hai. To ek tarah se ye inki cavity, ye important feature hemocyanin pigment bhi inke andar present hota hai hemocoelomic cavity mein. Aur
appendages are also present in the form of head, thorax and abdomen. ये इनके segmentation ऐसे की गई है और two pairs of antenna are main characteristics of phylum, sorry class Rustacea. Next आता है class Insecta. तो phylum Arthropoda का ये सबसे बड़ा class है. तो इससे related बहुत सारे species mention की गई हैं, जैसे कि silver fish है, cockroach that we are going to discuss in detail. Periplanta americana is a scientific name. Locust is a gregarious pest. और serious pest है plants का. Serious pest of plant. Plants को बहुत ज़्यादा destroy करता है, काफी dangerous है. And it was introduced from Pakistan. से introduce किया गया था. Gregarious means it lives in colonies. Colonies में रहता है gregarious, but they are not showing division of labor. कि इसके जो कुछ members होते हैं, division of labor नहीं show करते, but they are gregarious. That means these insects they live in groups. ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है. और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा टर्माइट. क्लास इंसेक्टा में तो मेन करेक्टरिस्टिक्स जो भी फाइलम आर्थ्रोपोडा के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हेड और थॉरेक्स एंड एब्डोमन में डिवाइडेड है. और थॉरेक्स इज आल्सो हैविंग थ्री अपेंडेजेस, एब्डोमन इज डिवाइडिंग इनटू 11 अपेंडेजेस. एक्सोस्केलेटन होता है किटिन का बना हुआ. तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स जो भी फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं, that are all included in class Insecta. One pair of antenna and one pair of compound eye is also present, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. और इसमें excretion is mainly Malpighian tubules are excretory organs and uric acid is also there as an excretory waste just to conserve the water. तो इनका जो excretory waste क्या होता है, uric acid होता है, ammonia या amino acid नहीं होता, यूरिक एसिड होता है. एंड दिस इज टू कंजर्व वाटर, ठीक है. तो अब देखते हैं इसमें टर्माइट. जैसे कि टर्माइट हम जानते हैं कि एक तरह की दीमक होती है. तो इट इज प्रेजेंट इन द वुड, वुड के अंदर रहती है, सेलुलोज ईट करती है. तो इसके बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने में को मिलते हैं इस स्पीशीज के बारे में, कि इसमें दो तरह की स्पीशीज होती हैं, फर्टाइल एंड दी स्ट्राइल. स्ट्राइल टर्माइट भी होती हैं, मेल एंड फीमेल एंड फर्टाइल भी होती हैं. और जो फर्टाइल होती हैं, दे अंडरगो द न्यूपियुटियल फ्लाइट. न्यूपियुटियल फ्लाइट मीन्स एयर में फ्लाइट करती हैं और एयर में ही इनकी कॉपुलेशन होती है. तो इस तरह से इसको हम कहते हैं न्यूपियुटियल फ्लाइट. तो टर्माइट में ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखने को मिलता है न्यूपियुटियल फ्लाइट का. सेलुलोज डाइजेस्ट करती हैं और इनकी बॉडी में देयर इज ए प्रोटोजोअन दैट इज ट्राइकोनिम्फा रिजाइड. ट्राइकोनिम्फा मेन इनका जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक है ना. वो एक्चुअल में वही वुड को ईट करता है और डाइजेस्ट करने में, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है टर्माइट को. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स दैट वी शुड नो अबाउट द टर्माइट. दीमक के बारे में जानने जरूरी है. फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिल्क मूथ, विच इज़ वेरी वेरी कमर्शियली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट. और इसकी जो इंडस्ट्री है, जो रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ का कोई भी वाइल्ड स्पीशीज नहीं मिलती इसके, हमेशा ऑलवेज इट इज़ डोमेस्टिकेटेड. सिल्क वॉर्म को क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं. वाइल्ड फॉर्म में ये इट इज़ नेवर फाउंड. तो इसकी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, देयर इज़ ए सिल्क इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं सैरी कल्चर. बहुत प्रोमिनेंट है और इम्पॉर्टेंट है और बहुत डिमांडिंग, ठीक है. इंडिया में भी इसकी मैसूर में, कोयम्बटूर में या मद्रास में, साउथ इंडिया में मेनली इसको रियर किया जाता है. ऑल्दो देयर आर सम अदर कंट्रीज, चाइना एंड जापान, जहाँ पे सिल्क की रियरिंग की जाती है, यानी कि सिल्क मोथ को रियर किया जाता है. इसको हम मलबेरी वॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि मलबेरी या शतूत के ऊपर ये रिजाइड करता है, शतूत के पेड़ों पर. तो मलबेरी वॉर्म भी बोलते हैं और मलबेरी मोथ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज इट लिव्स ऑन मलबेरी. मलबेरी के पत्तियों पे रहता है और उन्हीं को ही खाता है, ठीक है. और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, स-
सिल्क मोथ के बारे में कहा जाता है कि इसके जो भी एडल्ट्स होते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर 2 or 3 days, 2 या 3 दिन के से ज़्यादा तक वो रहते नहीं, सर्वाइव नहीं करते, और मोर ओवर दे कैन नॉट फ्लाई ऑल्सो. और इसमें वट एवर मेल्स जो होते हैं दे डाई आफ्टर पॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन, एंड फीमेल दे डाई आफ्टर दी लेइंग ऑफ एग्स. एग जब भी वो ले करती हैं तो वो उसके बाद वो मर जाती हैं. तो एग इज चेंज इन टू लार्वल एंड देन प्यूपल फॉर्म. तो उनके चारों तरफ एक कोकून होता है, तो उस कोकून और या वी के हम वी कैन से एग केस, तो उस कोकून को ही जब भी वो प्यूपल स्टेज में होते हैं तो प्यूपा को क्या करते हैं, हॉट वाटर में डालते हैं जहाँ पे भी ये सिल्क वॉर्म रियर किया जाता है. तो उस हॉट वाटर से डालने के बाद प्यूपा को किल किया जाता है और कोकून से सिल्क वॉर्म सिल्क को निकाला जाता है. और ऐसा कहा जाता है कि एक कोकून से नियर अबाउट 1000 meters ऑफ सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है. तो कितना कमर्शियल यूजफुल है, जैसे कि हमें मालूम है कि सिल्क इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्लोथ, एक बहुत सारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसकी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी अदर बेनिफिट्स दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, और लॉट्स ऑफ स्कोप्स सोर्स ऑफ इनकम्स आर देयर फॉर इट्स एम्प्लॉय के लिए. और ये सब इंडस्ट्रीज जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है स्पेशलाइज, आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इससे रिलेटेड क्या करिकुलम भी आ गए हैं टू स्टडी दी सेरिकल्चर, सेरिकल्चर को स्टडी करने के लिए, सो दैट वन कैन फाइंड बेस्ट जॉब्स इन दिस फील्ड. इस फील्ड में बेस्ट जॉब्स को मिला जाए, आई मीन टू से कि बहुत ज़्यादा डिमांड है सेरिकल्चर की. तो सेरिकल्चर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में मैसूर में और कोयम्बटूर में है, और बाहर दूसरी कंट्रीज में जैसे कि फ्रांस, जापान, चाइना, वो भी इसके लार्ज प्रोड्यूसर हैं. तो मेन स्ट्रेस करते हैं इसकी सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, दे रियर दी सिल्क मोथ, सिल्क मोथ को रियर करते हैं, उसको पालते हैं, ठीक है. और इनका इसको हम रेशम का कीड़ा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है. तो दिस इज रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट कमर्शियली यूज सिल्क मोथ, एंड इट इज ऑल्सो देयर इन अवर एनसीईआरटी कि कमर्शियली यूजफुल क्यों है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट आता है हमारा वास्प. वास्प तो हमें मालूम है कि येलो कलर का, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल होता है और स्टिंग करता है, हाईली डेंजरस स्टिंग इज पॉइजनस होती है इसकी स्टिंग्स, ठीक है. और बटरफ्लाइज आर ऑल्सो देयर नेक्टर सीक्रेटिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग दी, दे आर ईटिंग फीडिंग ऑन दी नेक्टर्स, और उनके साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं. वट एवर माउथ पार्ट्स आर देयर, इसमें कुछ इंसेक्ट्स से रिलेटेड के जो माउथ पार्ट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट स्पीशीज कौन सी हैं जो हमारी मैंशन की गई हैं एनसीईआरटी में. हनी भी तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी दूसरी लेसन्स में, जैसे कि ये भी एक डोमेस्टिकेटेड है और इट इज़ ऑल्सो लिविंग इन कॉलोनीज, कॉलोनीज में रहता है. और इसकी भी डिफरेंट कौन सी स्पीशीज हैं, वर्कर है, क्वीन है और ड्रोन है. जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्थिनोजेनेसिस से क्या करते हैं, अनफर्टिलाइज एग इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इनटू ड्रोन. ड्रोन मीन्स मेल, जो कि यूज होता है, दैट इज यूज टू फर्टाइल विद द फीमेल क्वीन. क्वीन इज फंक्शन इज टू ले दी एग्स, एग ले करती है, और वर्कर्स क्या करते हैं, दे कलेक्ट दी नेक्टर्स, नेक्टर्स को कलेक्ट करते हैं, और दे आर ऑल्सो लेइंग दी कॉम्ब्स, और वट एवर कॉम्ब्स आर देयर, और आई मीन टू से कि वेयर एवर द नेक्टर इज कलेक्टेड और हनी इज कलेक्टेड, तो उसके लिए पूरा हनी कॉम्ब बनाते हैं वर्कर्स, ठीक है. और दिस इज रिगार्डिंग देयर हनी भी, और इसके बारे में तो और भी हम बाद में देखेंगे, और भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स जो भी हनी भी के हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग इन अवर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, कमर्शियली इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स नेक्स्ट आएंगे, तो उसमें वी विल बी डिस्कसिंग इट मोर. हाउस फ्लाई भी हमें मालूम है कि सीरियस क्या करती है ये, इट इज़ ए सॉर्ट कॉजिंग वेरियस डिजीजेस, कॉन्टेमिनेशन प्रोड्यूस करती है बाई सिटिंग ऑन दी फूड, और वेन एवर अ पर्सन इज ईटिंग दोज फूड, इस तरह से वो गंदे फूड को खाते हैं तो डिसेंट्री और वी कैन से डायरिया और लूज मोशन एंड सम अदर
एब्डोमन और स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद द हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई से ही एसोसिएटेड है. मॉस्किटोस आर सीरियस पैरासाइट्स कॉजिंग सो मेनी डिफरेंट डिजीजेस. जैसे ह्यूमन के पैरासाइट्स हैं मॉस्किटो में मेनली, तो जो मेल होते हैं दे आर नॉट सकिंग द ब्लड. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज कॉजिंग द डिजीज मलेरिया. और इसके अलावा एडिस जो होते हैं मॉस्किटो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया. ये भी हम डिजीज वाले चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से ये सीरियस पैरासाइट्स हैं और किस तरह से ये ब्लड सक करते हैं मेनली, तो क्या कहते हैं कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. मेल नहीं करते, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज सेंजियोवोरस. सेंजियोवोरस मीन्स ब्लड सकिंग. क्यूलेक्स तो दूसरी डिजीज कॉज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग द डिजीजेस फिलेरियसिस. तो ये सब डिजीजेस तो हमने फिर से करने ही हैं अपने डिजीजेस वाले नेक्स्ट चैप्टर में. तो जो वट एवर वेन एवर इट विल बी कमिंग, ये सब हम 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ेंगे. तो उसके अलावा अब हम देखते हैं कि वन मोर इम्पॉर्टेंट इज देयर, दैट इज ए लैक इंसेक्ट. वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लैक इंसेक्ट. लैक इंसेक्ट इज ऑल्सो लैसीफेरा. साइंटिफिक नेम इसका टेकार्डिया भी है. टेकार्डिया ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका लैक जो होता है कमर्शियली यूज किया जाता है. फीमेल ले करती है लैक को सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लार्ज ट्रीज पे, जैसे पीपल का ट्री हो गया या हम कह लें बनियन ट्री पे. तो फीमेल ले करती है अनफेवरेबल सीजन्स में. जब भी कोई अनफेवरेबल सीजन होता है ना, और ये किस लिए करती है, जस्ट टू ले दी एग्स. तो फीमेल सीक्रेट दी लैक, लैक सीक्रेट करती है और अनफेवरेबल सीजन में. और जब भी ये एग ले करती है, एग के बाद व्हाट हैपेंस कि निम्फ कम आउट्स, उसमें जो भी निम्फ आता है बाहर, यंग वन कम आउट एंड देन कोई दूसरी स्टेज नहीं आती. और उसके बाद व्हाट हैपेंस, जो भी लैक या सॉलिड मटेरियल होता है उसको क्रश कर लिया जाता है पाउडर की फॉर्म में एंड देन इट इज़ यूज कमर्शियली. कैसे बटन की फॉर्म में या कई बार उसे बैंगल्स बनाते हैं और भी बहुत सारे वार्निश में, पेंट में यूज़ होता है या इलेक्ट्रिकल इम्प्लीमेंट्स में भी यूज़ होता है, अप्लायंसेस में भी यूज़ होता है. तो ये सब चीज़ें लैक से बनाई जाती हैं. तो इसीलिए लैक इंसेक्ट भी कमर्शियली बहुत इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है. ठीक है. और अब हम देखते हैं कि लास्ट क्लास मीरोस्टोमेटा से एक ही ऑर्गेनिज स्पीशीज दी गई है, लिम्यूलस और किंग क्रैब, जिसको लिविंग फॉसिल बोला गया. व्हाई इट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल, क्योंकि नियर अबाउट 200 मिलियन ईयर्स से इस, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अब है. ठीक है ना. तो एक तरह से जो भी करेक्टर्स दे वर प्रेजेंट इनिशियली, दे आर प्रेजेंट एज सच, देयर इज नो चेंज. और ये सर्वाइव भी कर रहे हैं आज की डेट में, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल बोला गया है लिमुलस को. और कॉमन नेम इज किंग क्रैब. तो दीज आर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर एनसीईआरटी. अब वन मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टर, दैट इज व्हाट आर वेरियस काइंड्स ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन देम. कौन कौन से माउथ पार्ट्स हैं डिफरेंट इन इंसेक्ट्स में, वो भी जानने जरूरी है. जैसे कि माउथ पार्ट्स के बारे में बात करें तो कॉमन इंसेक्ट्स और उनके डिफरेंट माउथ पार्ट्स किस तरह से होते हैं. जैसे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं कॉकरोच के अंदर, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप आर प्रेजेंट इन कॉकरोच, टर्माइट एंड ग्रास ऊपर. कॉकरोच, टर्माइट एंड ग्रास ऊपर. नेक्स्ट है हमारे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मॉस्किटोस. पियर्सिंग टाइप, पियर्स करना मीन्स काटना, मॉस्किटोज में मेनली यही मिलते हैं पियर्सिंग टाइप. नेक्स्ट ग्रुप है हमारा माउथ पार्ट्स का स्पॉन्जिंग टाइप.
हाउस फ्लाइज में। और साइफनिंग टाइप होता है, साइफन की तरह सक करना, साइफनिंग टाइप प्रेजेंट इन बटरफ्लाइज। तो ये इम्पॉर्टेंट माउथ पार्ट्स हैं, किस तरह से वो सक करते हैं, इसको भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग दी इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स अलोंग विद देयर क्लासेस एंड द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर वेरियस करेक्टरिस्टिक्स दैट आर प्रेजेंट इन नेक्स्ट फाइलम मोलस्का।